परासिया में बड़कुही नगर परिषद के सीएमओ गीता मांझी के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने रैली निकाली और सीएमओ के खिलाफ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बड़कुही नगर परिषद के सीएमओ गीता मांझी की कार्यप्रणाली से नाराज होकर भाजपा युवा मोर्चा ने रैली निकाली। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष माया डेहरिया ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नगर परिषद में हवन कर ईश्वर से सीएमओ को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। भाजपा युवा मोर्चा का कहना है कि नगर में साफ सफाई नहीं हो रही है, इसके साथ ही किसी की मृत्यु होने पर शासन की ओर से दी जाने वाली राशि भी समय पर नहीं दी जा रही है, जिससे जनता नाराज है। खरीदी में कमीशन के चलते छिंदवाड़ा छोड़कर सागर से खरीदी की जा रही है। अब आप बताइए ना कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उनकी तो वह धज्जियां मचा रही है। आप ये फोटोग्राफ देखिए, आप कर रही हैं, हम तो जनहित के कार्य के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हमारी पूर्व अध्यक्ष जी भी हैं, जितने भी पूर्व प्रस्तावित कार्य हैं जो उनको जनहित के लिए करवाना चाहिए। शौचालय आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हमारे बड़कू नगर परिषद की शौचालय है। खेड़वती माता जी के मंदिर के पीछे उनने पूरे कचरे फेंक दिए, उनको फेंसिंग लगाने के लिए बोले, वो नहीं लगाए। हम दूसरे मद से ये भुगतान कर सकते हैं और जब हमको राशि आ जाएगी तो हम फिर वहाँ उसको जमा कर सकते हैं। कई बार हमने पानी की राशि भी ऐसा किए टैंकरों की, तो मैडम को बताने के बाद भी मैडम कई गरीब बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं कि घर में मुर्दा पड़ा है। हम लोग को कलेक्शन करके और लकड़ियाँ इकट्ठी करके और उनका सब अंतिम संस्कार करना पड़ता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।